वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा को मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने जीत पर मिठाई खिलाकर खुशी जताई। कंवरपाल ने कहा कि बजरंग पूनिया ने जहां कांस्य पदक जीता तो वहीं नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाकर देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। सरकार ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही क्लास 1 की नौकरी और प्लॉट दिया जाएगा। एक इंडोर स्टेडियम भी खोला जाएगा। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में खुशी की लहर है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो में लठ गाड़ दिया है, जम कमाल ही कर दिया है। नीरज चोपड़ा के इस हौसले और जज्बे से हरियाणा के और बच्चे भी कुश्ती के अलावा दूसरे खेलों में रुचि दिखाएंगे। हमारी सरकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको हर सुविधा देगी और उनका पूरा मान सम्मान कर रही है। नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल जीतने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर से उन्हें हरियाणा प्रदेश का और पूरे देश का जो गौरव बढ़ाया उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ ही बजरंग पूनिया जी ने जो कांस्य पदक जीता उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर से पूरे हरियाणा को, पूरे देश को उन पर गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छा देश के लिए करके दिखाया। और अब जो ड्यूटी है वो हमारी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। तो निश्चित तौर से सरकार नीरज चोपड़ा जी को जो घोषणा हमने की है 6 करोड़ रुपए की, वो 6 करोड़ रुपए भी देंगे और उसके साथ साथ और भी जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हम उनको भी देंगे। बजरंग पूनिया जी ने सुबह जब कांस्य पदक जीता तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसी समय 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा जो उन्होंने पहले ही कर रखी उसके लिए भी, और एक प्लाट देने के बारे में बात थी, और उनके गांव में एक इंडोर स्टेडियम जो सभी सुविधाओं से लैस होगा।